Clash of Clans. Play now. हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो क्लैशर्स, क्लैश ऑफ क्लैन में बहुत बड़ा अपडेट आने का बहुत जल्द ही संभावना बन रहा है। आई डोंट नो मतलब कब तक आएगा, बट हम लोग को प्री प्लान रहना है अपडेट्स के लिए। जब भी आए जल्दी से हम लोग उस अपडेट में नॉर्मलाइज हो जाए, यानी इसका मतलब हम लोग को ज़्यादा कुछ अपग्रेड करना ना पड़े, पहले से मैजिकल आइटम सब बचा करके रखे कि जल्दी से मैक्स आउट हो जाए तो हम लोग नॉर्मलाइज हो जाएंगे अपडेट्स के साथ। तो गाइस, यहाँ पे अब जो भी हो आगे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या जो अपकमिंग अपडेट्स है वो लोअर टाउन हॉल के लिए आएगा या फिर हायर टाउन हॉल के लिए ही आएगा जैसा कि हर बार आता है, इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। बट जो भी होगा हम लोग सभी को प्री प्लान्ड होके रहना है। अगर अपडेट्स नहीं भी आता है लोअर्स के लिए, एटलीस्ट हम लोग मैक्स तो हो जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वीडियो में और भी आगे बढ़े, आप लोगों से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग का टाउन हॉल लेवल क्या है। यार आप लोग सभी लोग मुझे टाउन हॉल लेवल कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसी के साथ साथ कल हम लोग एक गोल्ड पास की गिव अवे किए थे क्लैशर्स, अगर आप लोग को याद होगा कल का वीडियो देखे होगे तो कल हम लोग गोल्ड पास का गिव अवे किए थे जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 लाइक कंप्लीट हो चुका है, लगभग 1000 लाइक और भी लेफ्ट रह गया। तो गाइस जाओ जल्दी से उसमें 5000 लाइक कंप्लीट करवाओ, उसके बाद हम लोग उस गोल्ड पास के विनर्स को पिक आउट करेंगे। और जैसे क्लैशर्स मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग डेली क्लैश ऑफ क्लैन में गोल्ड पास का गिव अवे करने वाले हैं 7 डेज तक, यानी गाइस इसका मतलब आज डे 2 है, आज भी हम लोग इस वीडियो के अंदर एक गोल्ड पास का गिव अवे करने वाले हैं। सर यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो कल का वीडियो देखे तो उन लोगों को पता होगा, नहीं देखे हो तो मैं अभी बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली एक कमेंट लिखना है कमेंट सेक्शन में, एक कोई भी रैंडम कमेंट लिख सकते हो। उसके बाद जब भी इस वीडियो में 5000 लाइक कंप्लीट होता है तो हम लोग एक रैंडम ऑनलाइन कमेंट पिकर एक सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो, इसी सॉफ्टवेयर से हम लोग पिक करेंगे आप लोगों एक कोई भी एक रैंडम कमेंट को, जिसका भी कमेंट पिक हो जाता है वो विनर्स होगा। और उसी के साथ साथ गोल्ड पास के रूप में मैं 399 रुपीज का एंड्रॉइड यूजर को यहाँ पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करूंगा उसके ईमेल एड्रेस पे, यानी तो फिर iOS यूजर्स को 399 रुपीज का यहाँ पे iOS गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज स्टे ट्यून्ड रहो और सभी लोग पार्टिसिपेट करो, कोई नहीं जानता है कौन विन करेगा, तो मे बी वो आप हो सकते हो। एंड बी श्योर गाइज कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और अगर विनर्स बन जाते हो तो हम लोग दूसरे विनर्स को पिक आउट करेंगे, आपका गोल्ड पास फिर दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मैं आप लोग के लिए ये सभी चीज़ करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यार हम लोग टाउन हॉल 700% लगभग मैक्स आउट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे बिल्डर्स की बात करो तो यहाँ पे कुछ भी अब अपग्रेड करने के लिए सजेशन नहीं दे रहा है, बट क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर यहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन में क्या शानदार सी चीज़, यहाँ पे स्टोरेज स्टैचू आया है। यार ये स्टोरेज स्टैचू कैसा लगा लेट मी नो यार इन कमेंट सेक्शन। अगर मेरी बात करो तो मुझे ये स्टोरेज स्टैचू बहुत ही शानदार लगा यार, क्या लुक है इसका। चलिए हम लोग इसे प्लेस करते हैं और देखते हैं। हालांकि यहाँ पे आप लोग देखोगे इस स्टैचू में एनिमेशन तक दिया गया है, इस एनिमेशन से आप लोग कुछ रिलेट कर सकते हो, करो यार गाइस, लिटरली में ये रिलेट करने लायक ही है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा क्लैश ऑफ क्लैन में अभी एक ऑफिशियल, अगर क्लैश ऑफ क्लैन के यूट्यूब चैनल पे जाओगे या ट्विटर पेज पे जाओगे तो वहाँ पे एक कमर्शियल ऐड आया है यार, ठीक है, ऐड कह दो यार फिर एक ट्रेलर वीडियो कह दो, वो आया है। उस वीडियो को देख करके आप लोगों को क्या लगता है? यस लिटरली क्लैश ऑफ ये सेम टू सेम वही है यार। वो ट्रेलर आप लोग का एक पायरेट से रिलेटेड है कुछ, और एक जो स्केल्टन्स अपना क्रॉन को भुला देता है उस पर एक शॉर्ट फिल्म आई है, वो शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड ये स्टैचू आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो अब आप लोगों को पता चल रहा है क्लैश ऑफ क्लैन में क्या 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 होने वाला है यार क्लैशर्स। तो फिलहाल क्लैशर्स मैं इंतजार में हूँ कब वो शॉर्ट फिल्म आने वाला है, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म क्लैश ऑफ क्लैन का ऑफिशियल चैनल पे ही आएगा और 13th of September को आने वाला है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, जरूर देखना उसे यार, बहुत ही समथिंग इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस आने वाला है। ये स्टैचू भी आप लोग को उसी शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग को ही पता है ना क्लैश ऑफ क्लैन कोई चीज़ ऐसे वैसे नहीं देती है, हर एक भी चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्लैशर्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग और भी आगे बातें तो करेंगे, बट उसके पहले क्लैशर्स यहाँ पे हम लोग एक अटैक्स करने चलते हैं। यार रिसोर्स तो देखो क्या मज़ेदार पुल है, इवन मैं अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, ये थोड़ा इश्यूड है, बट हम लोग का रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
तो चलिए यहाँ पे एक अटैक्स करते हैं, इवन मैं डार्क के पीछे जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग ट्रॉफी भी पुशिंग कर रहे हैं, टाउन हॉल 7 से लीजेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कब करेंगे, हमेशा लाइव स्ट्रीम में ही मैं करता हूँ, बाकी रैंडमली मैं कभी नहीं करता हूँ, तो लाइव स्ट्रीम में ही करूँगा। तो यहाँ पे कुछ मैक्स आउट बेसिस ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग को खास करके अच्छे अमाउंट में डार्क लीजर मिल जाए। ओके, यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा सा बहुत अच्छा सा डार्क लीजर मिल रहा है गाइस, बेसिस भी 100% मैक्स ही दिख रहा है। तो क्यों ना चलो यार हम लोग इस जगह अटैक्स करते हैं, देखते हैं टाउन हॉल 7 से टाउन हॉल 8 मैक्स पे 3 कर पाएंगे, क्या लगता है आप लोग को? एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ें हैं आई नो डैट, बट आर्मी भी बहुत अच्छी है यार, तो हम लोग रिक्स लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है, आई डोंट नो एंड आई विल ट्राइंग। तो लेट्स गो अटैक करने चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीसी ट्रुप्स को देख लेते हैं यार, सीसी ट्रुप्स अगर निकल गया कुछ खतरनाक सा तो इश्यू ही हो जाएगा। तो फिलहाल अभी प्रॉपरली सभी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं गाइज, आई डोंट नो कब तक यहाँ पे वर्कआउट करेंगी। एंड यहाँ पे मैं किंग को ड्रॉप करूँगा और एक यहाँ पे फिर ड्रैगन्स को ड्रॉप करूँगा। ओके, एंड इस जगह सारे के सारे लून्स को मैं ड्रॉप करता हूँ और दो ड्रैगन्स और आएंगे, एक यहाँ पे मैं रेस पर प्रोवाइड कर दूँगा एंड ऊपर से मैं यहाँ पे लून्स को ड्रॉप करूँगा और एक रेस्पेल। ओके, सो देखते हैं वो लून्स से मैं एक्सपेक्टेशन रखा हूँ कि एडी को टेक डाउन कर लिया जाए। ओके ओके ओके, कम ऑन ड्रैगन, यू कैन डू दिस, ड्रैगन यू कैन डू दिस, भाई 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 वो ऑसम यार। अभी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि अब बचा हुआ है, लगभग हम लोग सारे के सारे डिफेंसिव बिल्डिंग को टेक डाउन कर लिए हैं। तो यस क्लैशर्स, हम लोग टाउन हॉल 7 से टाउन हॉल 8 मैक्स को भी इजी 3-स्टार कर सकते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप लोग को ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बड़ा बेस होता नहीं है, तुरंत देखते के साथ आप लोग प्लानिंग बना सकते हो। तो ऐसे अटैक्स करके आप लोग इजी वॉर में 3-स्टार कर सकते हो, अपने क्लैन में अपना स्टार पावर दिखा सकते हो। अच्छा स्टार पावर कुछ अजीब गरीब नहीं हो गया, चलो यार हीरो बन सकते हो, ये यूज़ करते हैं। तो ठीक है, 88% यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे अब टाइम हंट का अगर इश्यू देखे कॉर्नर्स में, हालांकि कॉर्नर्स में देख के अटैक करना चाहिए, कभी कभी चूना लगाने के लिए बिल्डर हॉल, कभी बिल्डर हॉल नहीं है बिल्डर हट कॉर्नर्स में सेट करके रख देते हैं। तो फिलहाल इसमें नहीं है, ईजी हम लोग को बहुत अच्छा लूट भी मिल गया और उसी के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छा से 25 कप्स ग्रैब भी कर लिए। तो फिलहाल इस जगह 25 कप्स आ चुका है भाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लीजन हिट करने में टाउन हॉल 7 से बहुत परेशानी होने वाली है, इतना आसानी से हम लोग हिट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे ना टाउन हॉल 7 की अगर हम लोग बातें करें तो 2 से 3 ऐसी आर्मी सीक्वेंस होती है टाउन हॉल 7 की, जिसे आप लोग यूज़ करके आराम से फार्मिंग के साथ साथ ट्रॉफी पुशिंग भी कर सकते हो। टाउन हॉल 7 हो गया, टाउन हॉल 6 हो गया और टाउन हॉल 8 हो गया, इन तीनों के लिए मैं सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग डार्क लीग्स से लूटना चाहते हो तो लूनियन या फिर ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी बेटर है, अगर आप लोग पुशिंग करना चाहते हो तो पुशिंग के लिए बस एक ही अटैक स्ट्रेटजी है इन तीनों टाउन हॉल्स के लिए, वो है ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी। इसके अलावा और भी अगर आप लोग कोई अटैक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्लैशर्स। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग इन सारे अटैक स्ट्रेटजी को सबसे ज़्यादा प्रीफर करो, डार्क फार्मिंग करो और उसी के साथ साथ अगर आपका डार्क पूल है, आपको डार्क फार्मिंग नहीं करना है तो लूनियन एक बेहतरीन अटैक स्ट्रेटजी होती है, उसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एक और एक अच्छी अटैक स्ट्रेटजी होती है टाउन हॉल 8 के लिए, वो है मास हॉग राइडर की अटैक स्ट्रेटजी। इसकी आर्मी सिक्वेंस की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी मैं ट्रेंड कर ही रहा हूँ, फिलहाल पूरी की पूरी आर्मी ट्रेंड नहीं है। एंड अगर हम लोग फिलहाल इसे अटैक्स करें तो देखता हूँ गाइज क्या सिचुएशन होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेता हूँ जाइंट के लिए। ओके, यहाँ पे अगर जाइंट मिल गया तो बहुत ही सही रहेगा, इस अटैक स्ट्रेटजी में जाइंट बहुत ही प्रॉपरली वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे तो भाई कोई भी नहीं है क्लैन में, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग फिलहाल अटैक्स परफॉर्म करते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से अटैक परफॉर्म करना है। अगर आपके पास सीसी में ज़्यादा ट्रुप्स नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीसी में नहीं है या फिर सीसी नहीं भी लेके जाते हो तो किस तरह से आप लोग परफॉर्म कर सकते हो अटैक, चलिए हम लोग इस बात पे फोकस करते हो। वॉर में ले लेना यार सीसी, अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग का स्टोरेज फुल है यार, कोई ज़रूरत नहीं है लूट का, मैक्स आउट बेस है ना टाउन हॉल 7। चलिए हम लोग इस पर ट्राई करते हैं, ठीक है सीसी एक बार चेक कर लेना, हर एक अटैक स्टडी में सीसी ज़रूर चेक कर लेना गाइज।
एटलीस्ट टाउन वन लाइन तक सीसी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस जगह फिलहाल हम लोग के पास किंग भी नहीं है यार, ये थोड़ा इश्यू हो गया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सभी जाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे और कुछ सभी आर्चर्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे दो सिक्वेंस से हम लोग रिलीज करेंगे, दो सिक्वेंस से हॉग राइडर्स रिलीज करेंगे ताकि अगर जाइंट बम निकल जाए तो एक साथ ही सारे हॉग राइडर्स हम लोग का डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। ओके, 15-17% 18% का डिस्ट्रक्शन हम लोग को मिल चुका है। सो पैचेज में कभी भी रिलीज मत करना गाइज। एंड यहाँ पे एक दूसरा हीलिंग स्पेल आएगा, जहाँ पे आपको विजर्ड टावर सब दिखता है वहाँ पे आप लोग हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लैशर्स 43-45% और एक हीलिंग स्पेल हम लोग का बच चुका है और इजी हम लोग स्पेसेस पे 3 स्टार कर चुके हैं। अगर सीसी निकलता है तो आप लोग यहाँ पे जो आर्चर्स कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बताया हूँ, आर्चर्स और विजर्ड से सीसी को टेक डाउन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग का आर्चर्स सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो किंग का इस्तेमाल करो यार, किंग का इस्तेमाल करो सीसी ट्रुप्स को निकालने के लिए और इंगेज करने के लिए। और पीछे से विजर्ड और आर्चर सीसी को मैक्स आउट भी अगर ड्रैगन वैगन निकलता है तो टेक डाउन कर लेते हैं और इजी आप लोग 3 स्टार परफॉर्म कर पाते हो। चलो एक हम लोग स्वैग देते हैं बीच में और इसी के साथ साथ इजी हम लोग को इस जगह 3 स्टार देखने को मिल रहा है क्लैशर्स। तो कैसी लगी आप लोगों की ये दोनों अटैक स्ट्रेटजी, अगर आप लोग थोड़ी सी बेस को देख करके अटैक फॉर्म करोगे तो बहुत ही इजी आप लोग 3 स्टार कर सकते हो। कैसा भी बेसिस हो डिपेंड नहीं करता है, आप लोग के पास ओवर पावर्ड होता है सीसी, सीसी में अगर आप लोग मैक्स हॉग भी लेके जाते हो वो आधा बेस को इजी क्लियर कर देगा हीलिंग स्पेल के साथ। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, अब तो मेरे पास कोई फिलहाल आर्मी नहीं है। अगर लूनियन की बात करें तो यहाँ पे मैं लूनियन आप लोग को हाईली रिकमेंड कर देता हूँ। अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हो तो लूनियन आप लोग यूज़ कर सकते हो, 35 लून 9 आर्चर्स के साथ 8 मिनियन 2 रेज स्पेल एंड 1 हीलिंग स्पेल। तो ये है आर्मी कॉम्बिनेशन लूनियन अटैक स्ट्रेटजी का, जो कि टाउन हॉल 6, 7 और 8 के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो क्लैश हाउस। सो दैट्स इट यार, आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई किसका इंतजार है यार, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, और गिव एंड पार्टिसिपेट करो यार। मुझे नहीं पता कौन विनर होगा, आपको नहीं पता, किस्मत किसी का भी चमक सकता है, बस पार्टिसिपेट करो, अपना 100% दो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। सो बाय क्लैशर्स, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन ड्यूड।